हाय फ्रेंड्स, चलिए हम इवापोरेशन के बारे में सीखेंगे। इवापोरेशन क्या होता है, क्यों होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग, तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो आपको ये क्लास 8 के लिए आपको यूजफुल होगा। 7, 6 के लिए भी ये इवापोरेशन पढ़ना पड़ता है, तो ये सब आपको हेल्प करेगा। ठीक है, 6, 7, 8 के लिए आपको अच्छे से हेल्प करेगा। तो चलिए हम शुरू करेंगे डेफिनेशन के साथ, है ना। डेफिनेशन क्या होता है? सो इवापोरेशन में लिक्विड चेंजेस टू गैस, तो ये होता है। अभी लिक्विड चेंजेस टू गैस बॉइलिंग में भी होता है, है ना। तो इसमें क्या डिफरेंस है? एट एनी टेम्परेचर, इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। तो दैट इज़ द इवापोरेशन। सो इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर और बिलो बॉइलिंग पॉइंट बाय ऑब्जर्विंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ये आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में, ठीक है। तो इवापोरेशन आपने देखा होगा, जैसे फ्लोर में पानी गिर जाता है तो, या हम कुछ मॉप कर देते हैं फिर उसके बाद अपने आप वो सूख जाता है, है ना। या कुछ ऐसे फ्लैट डिश में हम पानी रख देंगे थोड़ा, नेक्स्ट डे हम देखेंगे तो वाटर इज़ डिसअपीयर्ड। तो क्यों होता है? अभी हमने तो बॉयल नहीं किया वहाँ पर, तो वो लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड इवापोरेशन, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी क्योंकि सराउंडिंग से हीट लेके वो गैस बन जाता है, तो सराउंडिंग विल लूज हीट, सराउंडिंग लूजेस हीट ड्यूरिंग इवापोरेशन, सो दैट्स वाई इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो ये गिव रीजन में आ सकता है, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, वाई। सो ड्यूरिंग इवापोरेशन लिक्विड टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, सो एज सराउंडिंग इज लूजिंग हीट ड्यूरिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्योंकि जब भी कूलिंग जब होता है, जैसे हमको ठंडा लगता है विंटर सीजन में, तो हमको ठंडा क्यों लग रहा है? बिकॉज आवर बॉडी इज लूजिंग हीट, सो वी आर फीलिंग कोल्ड। तो ये आप समझ लीजिए, सो कूलिंग का होता है ना, बॉडी लूजेस हीट, तो उसको होता है कूलिंग। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर कुछ पेट्रोल डाल दें या परफ्यूम स्प्रे कर दें तो ठंडा लगता है, है ना। तो क्यों ठंडा लगता है यहाँ पर? क्योंकि जो परफ्यूम मोलिक्यूल्स है पेट्रोल, वो हाईली वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, वो क्विकली इवापोरेट हो जाता है। तो इवापोरेट कैसे होगा? तो यहाँ का जो हीट है, सराउंडिंग हीट जो लेता है, और बॉडी का हीट भी, क्योंकि हम ये बॉडी का बात कर रहे हैं, सो इट टेक्स द हीट फ्रॉम आवर बॉडी, सो वी आर लूजिंग हीट, सो वी आर फीलिंग कोल्ड, सो इट प्रोड्यूसेस, इट कॉजेज कूलिंग, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हम जब समर सीजन में हम फिश धोते हैं या वी टेक बाथ, तो क्या होगा उसके बाद? वाटर स्टार्ट्स इवापोरेटिंग, है ना, टेकिंग द बॉडी हीट, सराउंडिंग हीट, सो वी फील कंफर्टेबल। तो यहाँ पर होता है, जैसे आप खेल के आए, आप पसीना है फैन के नीचे बैठने से, तो आपको ठंडा लगता है, तो वो रीज़न है इवापोरेशन। सो बहुत सारे प्रैक्टिकल फिनोमिना इवापोरेशन से होते हैं। तो ये आ गया इवापोरेशन के बारे में। अभी इवापोरेशन क्या होता है? जो ये सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। इवापोरेशन में ये सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है,
अंदर वाले जो मॉलिक्यूल इसको तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट अंदर वाले जो मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है ना, लेकिन सरफेस वाले खाली एक साइड से कर रहे हैं. सो व्हेन दे गेट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, सो देयर पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, है ना. सो दे विल ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली फ्रॉम वन साइड डाउनवर्ड्स, देन दे बिकम फ्री, देन दीज मोलिक्यूल्स विल गो अवे. तो ये सरफेस फेनोमेना है. तो अंदर वाले मोलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं होंगे. जैसे बॉयलिंग में क्या होता है, बॉयलिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल पार्ट, सब मोलिक्यूल चेंज होते हैं. तो बबल्स आपको दिखते हैं, बॉटम में भी दिखते हैं, बट दिस इज सरफेस फिनोमेना. तो इसलिए ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है. तो ये आप ध्यान दीजिए. ओके, अभी चलिए फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, कैसे इवेपोरेशन को चेंज किया जा सकता है या कैसे कौन से फैक्टर में डिपेंड करता है. सो फर्स्ट इज द एरिया ऑफ द एक्सपोज सरफेस. देखिए अभी यहाँ पर मैंने सरफेस एरिया ज़्यादा ले लिया, सो मोर मॉलिक्यूल्स विल बी एक्सपोज. अभी छोटा सरफेस है, सो लेस मॉलिक्यूल्स विल बी एक्सपोज, बिकॉज दिस इज द सरफेस फिनोमिना. तो इसलिए मोर सरफेस मोर मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज टू द सराउंडिंग, सो दे मे लीव द सरफेस एंड इवेपोरेटेड. सो दैट्स वाई इट डिपेंड्स ऑन द एरिया. इसलिए जब हम कपड़े सुखाने देते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा फैला के देते हैं, वी स्प्रेड देम, है ना, टू प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया, सो दैट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एंड द क्लोथ्स आर ड्राइड वेरी क्विकली. तो ये हो गया. सेकेंड है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. अभी ऑलरेडी ये हीट चाहिए इवेपोरेशन होने के लिए. यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी मोलिक्यूल्स थोड़ा एक्साइटेड में, तो थोड़ा सा एनर्जी लेने से वो इवेपोरेशन हो जाएंगे. तो ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा फास्ट होगा. ओके, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. तो सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है बिकॉज सराउंडिंग इज़ प्रोवाइडिंग हीट फॉर द मोलिक्यूल्स. ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है देन इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा. ओके, फिर नेचर ऑफ लिक्विड. तो अलग अलग लिक्विड अलग अलग तरीके से या अलग अलग रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है उनका. जैसे पेट्रोल वोलाटाइल बोलते हैं, जो हाईली और दे आर इवेपोरेटेड क्विकली, है ना. तो ये हम बोल सकते हैं डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट इवेपोरेशन रेट. उनका मोलिकुलर कंपोजिशन मोलिकुलर अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. जिसका ज़्यादा फ्री होगा वो जल्दी इवेपोरेट करेगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. अभी यहाँ पर यदि मॉइस्चर ऑलरेडी है तो यहाँ पर इवेपोरेशन कम हो जाएगा ना. मान लीजिए यहाँ आप यहाँ पर ये चेयर्स है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में लोगों को दिक्कत हो जाएगा. अभी ये खाली है तो ये लोग यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं. तो उसी तरह यदि मॉइस्चर ऑलरेडी है एयर में तो यहाँ से मॉलिक्यूल निकलना मुश्किल हो जाता है. तो यदि ये मॉलिक्यूल खाली है, ये जगह खाली है, लेस मॉइस्चर है, तो ये निकलने का ज़्यादा होता. इसलिए मॉइस्चर कम होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा. तो मॉइस्चर जैसे हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विंटर में मॉइस्चर कम रहता है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है. तो इवेपोरेशन फास्ट होता है तो वी लूज हीट, इसलिए स्किन ड्राई हो जाता है. कोल्ड क्रीम हम लोग लगाते हैं तो ये है. फिर रेनी सीजन में कपड़े सूखने में बहुत टाइम लग जाता है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर इज हाई मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, इवेपोरेशन कम होता है. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए. तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर विल डिक्रीज द इवेपोरेशन. फिर प्रेजेंस ऑफ विंड. अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, एयर डेंसिटी है, एयर मोले, अभी विंड बलेगा तो ये क्या जाएगा, ये चले जाएंगे, तो जगह खाली हो जाएगा, है ना. जगह खाली हो गया तो ये मॉलिक्यूल्स के लिए निकलना आसान हो जाएगा. सो दैट्स वाई इवेपोरेशन विल बी फास्टर. तो इसलिए हम कभी कभी रेनी सीजन में बाहर बारिश हो रहा है तो हम कपड़े सुखाते हैं, पंखे के नीचे पंखा ऑन कर देते हैं, तो विंड ब्लो करेगा, विंड मूव करेगा, एयर मूव करेगा, इसकी वजह से इट विल क्रिएट द स्पेस फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स, सो इवेपोरेशन विल बी फास्टर. तो ये हम समझ सकते हैं.
तो ये 6 फैक्टर्स है। एग्ज़ाम में यदि 2 मार्क्स का आया तो 2 फैक्टर्स लिखिए, 3 मार्क्स का आया तो 3 फैक्टर्स, सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू लर्न ऑल बिकॉज बेस्ड ऑन दिस सो मेनी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो अभी मैंने बताया वो सेपरेटली गिव रीज़न टाइप में आ सकता है, ठीक है, गिव रीज़न में आ सकता है जैसे यहाँ पर मैंने बताया। ओके, अभी यदि आप डिफरेंस पढ़ना चाहते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, सिमिलर है, डेफिनेशन पढ़ने से लगता है कि एक ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, है ना। अभी डिफरेंस क्या है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ठीक। तो ये 7 में भी पढ़ना पड़ता है, 8 में भी पढ़ना पड़ता है, 6 में भी पढ़ना पड़ता है। तो बॉइलिंग इवेपोरेशन, तो बहुत सारे पॉइंट मैंने बता दिए। तो पहले आप लिखिए बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, ठीक है, बॉइलिंग इज द फास्ट प्रोसेस। ओके, इवेपोरेशन इज स्लो प्रोसेस, ये इजी वाला पॉइंट मैंने बता दिया, इजी। तो बॉइलिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ लिक्विड, और होल लिक्विड इज इन्वॉल्व इन बॉइलिंग एंड ओनली फ्रॉम इज अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना, और इसमें बल्क फिनोमेना भी बोल सकते हैं। थर्ड है इट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड दिस टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग सेंटेंस लिख दीजिए, ठीक है। और आपका और एक तो डेफिनेशन है, वो डिफरेंस है डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन मैंने बताया, इसका भी वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपको मार्क्स वाइज लिखना है, यदि 3 मार्क्स का आता है 3 पॉइंट्स, 2 मार्क्स का आता है 2 पॉइंट्स, ICSE में 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता है तो 3 पॉइंट्स आप डिफरेंस के लिए पढ़ लीजिए, ठीक है, कंपेरिजन ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू।